नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चड़क और आज मैं बात करने वाला हूं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि ONGC के बारे में। और ये स्टॉक जो है वो दोस्तों हर रोज जो है वो अपना 52 वीक लो लगा रहा है। चाहे मैं बात करूं ONGC की, चाहे मैं किसी भी स्टॉक की बात करूं, और ख़ास करके अगर मैं PSU स्टॉक्स की बात करूं तो दोस्तों ये जो है वो रोज 52 वीक लो लगा रहा है। अगर मैं बात करूं दोस्तों करंट मार्केट प्राइस की तो ये चल रहा है 71.50 के आसपास, और ये जो प्राइस है दोस्तों ये 2003-04 के आसपास देखने को मिलता था, जो आज ये प्राइस चल रहा है। अगर मैं बात करूं दोस्तों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की तो ये 5 दिन का मूविंग एवरेज भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, इतनी बुरी दशा है टेक्निकली। अगर मैं बात करूं ऑयल एंड नेचुरल गैस की तो बहुत ही बुरी हालत चल रही है अभी इसकी, और ये स्टॉक जो है वो पिटता ही जा रहा है। काफ़ी सारे लोगों ने जो है इसको 100 रुपये के आसपास भी लिया कि अभी बहुत हो गई पिटाई, हम ही अभी ले लेते हैं। उन्होंने जो भी सोचा बुरा नहीं सोचा, बट अभी जो बुरा हो रहा है वो हद से भी ज्यादा हो रहा है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इंट्राडे चार्ट से। तो आप देख सकते हो ओपनिंग होती है इसकी 77.40 पे, उसके बाद ये स्टॉक देख सकते हो कितना ज्यादा पूरे इंट्राडे चार्ट में ये स्टॉक जो है वो पिटाई ही दिखा रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों गिरावट की तो 4.09% का गिरावट है, लगभग 3.05 रुपये डाउन है मात्र एक दिन में। अगर मैं बात करूं दोस्तों 5 दिन की तो ये स्टॉक 4 मार्च को 93.25 पे ट्रेड कर रहा था। अगर मैं बात करूं दोस्तों 1 महीने की तो ये स्टॉक जो है 106.70 पे ट्रेड कर रहा था। अगर मैं बात करूं गिरावट की तो मात्र 1 महीने में 33% के आसपास करेक्ट हो चुका है। अगर मैं बात करूं दोस्तों 1 साल की तो ये स्टॉक जो है दोस्तों 151.85 पे ट्रेड कर रहा था। अगर मैं बात करूं गिरावट की तो ये स्टॉक जो है दोस्तों 53% के आसपास करेक्ट हो चुका है। 1 साल में इतनी बड़ी गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट होती है। अभी जो इन्वेस्टर्स हैं वो पूरी तरह जो है वो परेशान हो चुके हैं, खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने इसमें निवेश किया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका आगे का मूव इसमें क्या होना चाहिए। तो चलिए पहले इसका ट्रेड देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा गिरावट का इतना बड़ा कारण क्या है, और मैं आपको बताऊंगा आगे आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए पहले ट्रेड देखते हैं। तो दोस्तों मैं NSE की वेबसाइट पे आ चुका हूँ, तो प्रीवियस क्लोज आप देख सकते हो 74.55 है, ओपनिंग होती है इसकी 76.75 पे। हाई बनाता है दोस्तों ये 77.40 का, लो बनाता है 71.05 का। तो अगर मैं बात करूं गिरावट की तो ये मात्र एक दिन में 4.09% गिरा हुआ है। अगर मैं बात करूं दोस्तों ट्रेडेड वॉल्यूम की तो वॉल्यूम आप देख सकते हो 6,35,70,122 शेयर्स जो हैं वो ट्रेड हुए हैं। नॉर्मली आपको जो वॉल्यूम है इतनी ज़्यादा देखने को मिलती नहीं है। अगर मैं बात करूं परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी तो 36.97% की डिलीवरी जो है वो उठाई गई है। 2,35,03,218 शेयर्स जो हैं वो डिलीवरी पर उठाए गए हैं। तो अच्छी खासी डिलीवरी जो है उठाई गई है, एक दिन में 2-2.5 करोड़ के आसपास अगर डिलीवरी उठाई जाती है तो बहुत ही बढ़िया डिलीवरी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके करंट मार्केट प्राइस की तो ये चल रहा है 71.50। तो अभी बात कर लेते हैं इसमें गिरावट आई क्यों है। तो दोस्तों गिरावट आई है क्रूड ऑयल के कारण, और एनालिस्ट की अगर माने तो उनका मानना है कि जिस हिसाब से क्रूड ऑयल का प्राइसेस गिर रहा है उस कारण से इनके जो मार्जिन्स है वो जो है वो घटते हुए दिख सकते हैं। कुछ तो इवन ये भी मान रहे हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर 21 है उसमें ONGC जो है वो लॉस भी दिखा सकती है। तो अभी बात करते हैं आपको इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कि आपको जो अगर निवेश करना है तो ज़्यादा मोटी क्वांटिटी जो है वो आपको नहीं लेनी चाहिए, छोटा मोटा पैसा लगाइए। और जो अपना नज़रिया है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म रखिए, 3 से 4 साल 2 साल आपको कम से कम इसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो सोचना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसी ने अगर इसको 120, 100 या 110 के आसपास लिया है तो मैं उनके लिए बता दूं कि आपको जो है होल्ड कर रहे हो अगर अभी आप तो होल्ड करिए। आपको करना क्या है कि आपको एवरेज आउट नहीं करना है इसको। अगर आप एवरेज आउट करना चाहते हो तो मैं आपको बिल्कुल छोटी क्वांटिटी बोलूँगा। अगर आपने इसमें 10 रुपये लगाए हैं तो मैं आपको बोलूँगा आप 1 रुपया ही और लगाइए, इससे ज़्यादा मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। उसके बाद अगर बात आती है सेल वालों की तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको सेल करें। कंपनी जो है वो बहुत ही बढ़िया है और सरकारी कंपनी है और आपको पूरी अपॉर्चुनिटी देती है यहाँ से निकलने की। सरकारी कंपनियाँ जो होती हैं अगर वो 100 रुपये पर ट्रेड करती हैं तो वो बिल्कुल स्लोली जो है वो नीचे जाती हैं, आपको पूरी अपॉर्चुनिटी देती हैं एग्जिट करने का। डिविडेंड अच्छा देती है सरकारी कंपनी। उसके बाद अगर मैं बात करूं इनकी यानी कि ONGC की तो आने वाले समय में हो सकता है इनके जो नतीजे हैं वो आपको अच्छे देखने को ना मिले क्रूड ऑयल की वजह से, बट अगर आप लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हो तो ये जो प्राइस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपको करना क्या है तो दोस्तों मैं आपको बोलूँगा अगर आप पैसा निवेश ही करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट कंपनी जैसे लार्सन एंड टुब्रो, जैसे ITC हो गया, जैसे रिलायंस हो गया, उसके बाद
ऐसे स्टॉक्स में निवेश करिए जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं और अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया कंपनियां हैं वो, आप उनमें निवेश करिए। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आप जो है वो छोटी मोटी क्वांटिटी ही निवेश करिए, ज़्यादा निवेश इसमें करना नहीं चाहिए आपको। अगर ये बढ़ता भी है तो उनके कंपेरिजन में उतने ज़्यादा रिटर्न्स आपको नहीं देगा, ये आप अच्छे से जानते हो। प्रीवियस डाटा रिकॉर्ड भी आप देख लीजिए और अभी भी आप देख रहे हैं जिस हिसाब से ये पिट रहा है, 50% के आसपास जो है ये स्टॉक इतना ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। तो ध्यान में रखनी चाहिए आपको बातें। और अभी मैं थोड़ी बहुत बात करता हूँ मार्केट की। मार्केट जो है वो बहुत ही दिक्कत में है अभी, अभी भी हम नहीं जानते बॉटम आउट कहाँ पे होगा। एक ही बात हम जानते हैं कि आपको कोई भी चीज़ अभी लेनी है वो इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से लेनी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से सोचते हो तो आपको आने वाले समय में फ़ायदा भी ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी जो प्राइजेस चल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा चीप चल रहे हैं। आपको सब कुछ जो है वो चीप प्राइसेस पे मिल रहा है, इतना ज़्यादा चीप मिल रहा है कि आपको 2003-2004 के प्राइसेस भी देखने को मिल रहे हैं बहुत बढ़िया कंपनियों के। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।